हाय फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, कभी कभी ये प्रॉब्लम आपको होती होगी, जैसे कि आप कभी कभी ये आप जैसे सुबह आप मॉर्निंग में उठे, उसके बाद आप जैसे मोबाइल यानी 10 से 20 मिनट इंटरनेट आपने इंटरनेट यूज किया, उसके बाद आपको देखने को ये मिलता है कि आपका MB खत्म, डाटा ख़त्म हो जाता है। क्या रीज़न है कि ये हम आपका ये नेट पैक कैसे ख़त्म हो जाता है, तो आपको एक कमाल की सेटिंग बता रहा हूँ। अगर आप उसी स्टेप बाई उसी को आप अपनाएंगे तो 100% आपका जो डाटा है, तो दिन भर आप अपने मोबाइल फ़ोन का डाटा दिन भर आप यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये देख लेना दोस्तों, एक साइड में आपको डिस्प्ले शो हो रहा है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसी सेटिंग को आपको फॉलो करना है। 100% जो आपका नेटपैक जल्दी इंटरनेट का डाटा ख़त्म हो जाता है, 100% आपका डाटा दिन भर आप वर्क कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको सेटिंग पे चले जाना। सेटिंग पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग पे आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेना, उसके बाद आप चले जाना अपने ऐप्स पर, जहाँ पर आपका ऐप्स जहाँ पर आपको शो करें उस पर अपने ऐप्स पे चले आना। ऐप्स पर आप ओके कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक मैनेज अकाउंट, उस पर आप ओके कर देंगे। मैनेज अकाउंट पर जैसे ही आप ओके करेंगे, तैसे ही यहाँ पर आपको तमाम ऐप्स जितने भी आपके यानी कि जितने भी ऐप आपके मोबाइल में रन कर रहे हैं, जितने भी ऐप्स आपने यानी कि इंस्टॉल करके आपके मोबाइल पर है, तो क्या होते हैं बैकग्राउंड पर, जैसे कि आपने जैसे ही इंटरनेट ऑन किया तो यानी जितने भी आपके जो ऐप्स हैं बैकग्राउंड डाटा यानी कि खींचने लगते हैं, बैकग्राउंड रन करते हैं। चाहे आपने जैसे कि आप जिस ऐप्स पर आप वर्क करेंगे तो उस पर नेट यानी कि नेट तो खाएगा, लेकिन जो और भी तमाम ऐप्स हैं आपके मोबाइल पर, मिक्स प्लेयर हो गया, काइन मास्टर हो गया, तमाम ऐसे A to Z ऐप्स हैं, तो वो बैकग्राउंड पर रन करते रहते हैं। वो कभी कभी वो अपडेट होने लगते हैं, आपको पता नहीं चलता, बैकग्राउंड पर अपडेट हो जाते हैं, उसी के कारण आपका नेट पैक डाटा ख़त्म हो जाता है। तो कैसे स्टॉप करेंगे आपको जो बैकग्राउंड पर रन करता है ऐप्स, तो कैसे स्टॉप करेंगे, सर्वप्रथम आपको कोई भी ऐप्स जैसे कि तमाम आपको ये साइड पर ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखो आपको जो इंपॉर्टेंट ऐप्स नहीं है, तो आपको क्या करना, मुझे ये मिक्स प्लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्या करूँगा, आप इस पर ओके कर देंगे। इस पर जैसे ही आप ओके करेंगे तैसे भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा यूजिंग, इस पर आप ओके कर देंगे। उस पर आप ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड डाटा, ये बैकग्राउंड डाटा जिस यानी कि बैकग्राउंड डाटा इसका ऑन है, तो क्या करना है आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। ऐसे ही आपने ये मिक्स प्लेयर का कर दिया ऑफ, उसके बाद आप चले आना पुनः आप कोई भी और ऐप्स को, जो आपका ऐप्स इम्पॉर्टेंट ना हो उसी को, सारे ऐप्स को आपको क्या करना है, इसी स्टेप बाय स्टेप सभी को आपको ऑफ कर देना, पुनः डाटा यूजिंग पर जाने, उसके बाद इस पर भी बैकग्राउंड डाटा ऑन है, इस पर भी आप ओके कर देंगे, इसे ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके फालतू के ऐप्स हैं वहाँ से जाकर आप जो बैकग्राउंड पे डाटा रन कर रहे हैं, तो आप उसे एक ऐप्स में जाकर इस तरह आप डाटा को बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर देंगे, तो 100% जैसे कि जो आपकी नेटपैक ज़्यादा जल्दी यानी कि ख़त्म हो जाता है, 100% वो नेटपैक वो चलेगा, आप दिन भर आप अपने मोबाइल फ़ोन से नेट चला सकते हैं। जो जल्दी आपको प्रॉब्लम होते थे, जल्दी आपका नेटपैक ख़त्म हो जाता, तो कुछ हद तक यानी कि मेरा पूर्णता ये नहीं दावा है, लेकिन आपको लगभग 70-80% आपके यानी कि नेट में फ़र्क पड़ेगा। आप अपने यानी कि दिन भर आप डेली जैसे कि आपको कभी कभी ये होता है दोपहर तक आपने इंटरनेट चलाया या 2-3 घंटे आपने चलाया तो आपका नेट पैक ख़त्म हो जाता, लेकिन मेरा एक गारंटी के साथ मेरा दावा है लगभग 70% इस प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो 70% आपको यानी कि नेट में फ़र्क पड़ेगा, आप दिन भर यूज कर सकते हैं। आई होप ये दोस्तों आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं आपको कुछ बात यानी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।